नमस्ते डॉक्टर बॉन्ग, आप आ गए। आ गया? इतने दिनों से कहाँ चले गए थे? कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। आपको इंतजार कराने के लिए माफी चाहता हूँ, कुछ मरीजों को देख रहा था मैं बाहर। डॉक्टर साहब, मैं डोंग जिले से आया हूँ। आपके पिताजी ने मेरे दादा के पैर की बीमारी दूर की थी और 30 वर्षों तक उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई थी, और अब मेरे भी पैर में वैसी ही दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। हाँ, सही कहा उसने, आपके लिए आए। घबराइए मत, घबराइए मत, हम एक एक करके काम करेंगे, ठीक है? गलती हुई हो तो माफ कीजिए। बढ़िया, तुमने तो कमाल कर दिया। महाराज, आपने मेरी 18 कलाएं आजमाई हैं। मुझे महल में पहरेदारी की नौकरी दीजिए। तुम्हारी मांगे पूरी हुई, तुम्हें हरम में नियुक्त किया जाता है, जो कि अच्छा पद है। शुक्रिया महाराज। महाराज, मेरे महाराज कॉन्सर्ट वैन पैर के दर्द से बहुत तकलीफ में है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। महारानी, कैसा लग रहा है? आराम से। तुम हड्डी के डॉक्टर हो ना, इनकी बीमारी ठीक तो नहीं हुई? मुझे माफ कर दीजिए। रुक जाओ, मैं महारानी की बीमारी ठीक कर सकता हूँ, और चाइनीज दवाइयाँ धीरे धीरे काम करती है, और हमारी अंग्रेजी दवाइयाँ तुरंत राहत देती है। महाराज, अंग्रेजी दवाइयाँ बहुत अच्छी हैं, मैं इन्हें बर्ड वार्मिंग कहता हूँ। महाराज, अंग्रेजी दवाइयाँ सच में तुरंत राहत देगी, मेरी बात सुन। राजकुमार गुओ ने तुम्हारी दवाई खाई थी, उनका पैर ठीक हुआ लेकिन उनका पेट दर्द करने लगा। तुम निकलो यहाँ से, जाओ जाओ, भागो, मेरी बात निकल जाओ। कमिश्नर ली, मेरी बात सुनो, सच में परेशान हो गया हूँ, मुझे इसके लिए माफी दे दीजिए। शाही महल के औषधि दस्तावेजों के अनुसार महाराज सुनजी के समय वांग रकिंग नाम का एक वैद्य हुआ करता था। ऐसी बीमारियों में उसकी बांस की बोतल वाला तरीका बहुत ही ज्यादा उपयोगी था। अगर उस तरीके से महारानी का इलाज हो तो उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी। उस आदमी को महल से निकाला गया था लेकिन उसने तरीका किसी को नहीं सिखाया। किसी को तो सिखाया ही होगा। मेरा आदेश है, इश्तिहार चिपका दो, उनके शिष्य को ढूंढ कर यहाँ लेकर आओ। सुनजी के समय वांग रंकिंग नाम का एक शाही वैद्य हुआ करते थे। अगर कोई उनके मुंशी को जानता तो उन्हें महल लेकर आए। महाराज का फरमान है। वांग रंकिंग? अरे ये क्या कर रहे हो? रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? पिताजी, आप बड़े खुशकिस्मत हैं, आपको शाही महल में बुलाया गया है। खुशकिस्मत है? कैसी खुशकिस्मत? क्या कर रहे हैं आप? इसकी बात तो सुन लीजिए, आप इसे क्यों मार रहे हैं? जरा दिखाओ, कहीं चोट तो नहीं लगी? ठंड से बचाना बस आप। तुम दोनों अपना सामान बांध लो और दवाइयां भी ले लो, यहाँ से निकलना है हमें। आप इतने डरे हुए क्यों हैं? क्या बात है? सवाल मत करो, चलो यहाँ से। मुबारक वैद्य वैंग, आप ही को ढूंढ रहा था मैं। खुशकिस्मती आपके साथ है, महाराज ने आपको महल में याद किया है। कोई बात है क्या? चुप हो जाओ। माफ कीजिएगा, मैं आपका और महाराज का शुक्रगुजार हूँ। अरे छोड़ो, चलो तुम हमारे साथ। ये लीजिए मेरी तरफ से चाय पानी के लिए, ले लीजिए आप लोग, कुछ खा पी लीजिएगा। आप बहुत अच्छे इंसान है वैद्य वैंग। ऐसा करो, तुम लोग अपना सामान बांध लो, हमें राजधानी के लिए अभी के अभी निकलना होगा। देखो, सरकार हमारा बहुत ख्याल रखती है, इसीलिए जाने से पहले मैं आप दोनों को कुछ खाने पीने के लिए बुलाना चाहता हूँ।
चुंगजिंग रेस्टोरेंट चलेगा ना? हाँ 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 बिल्कुल सही, आप इन दोनों को ले जाकर इनकी खातिरदारी करिए। आई ना चलो जाओ। हाँ मैं आ रहा हूँ। चलो सामान बांधे, गर्मा गर्म टोस्ट आ रहा है। मुझे दो। ठीक है, शुक्रिया। आपकी थाली तैयार है। लगता है होटल की माली की बीवी है। छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो, संभल जाओ वरना बीवी को बता दूंगी। कैसे चल रहा है सब? माँ बताओ ना, पापा क्या कर रहे हैं वहाँ? उन्हें शाही महल में जाना चाहिए पर वो यहाँ छुप रहे हैं। कुछ मत बोलो, सामान बांधो बस। मैं सच कह रहा हूँ, यहाँ बैठकर आपके साथ मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है, सच कह रहा हूँ मैं। अब शुक्रिया, बहुत अच्छे हैं। जल्दी पी लीजिए, पी लीजिए। चिंता मत करना। चलिए एक और जाम पीते हैं। क्या लिखा है वहां पे, जरा पढ़ो तो। देखो तो क्या हो रहा है वहां, जरा देखो। अरे तुम लोग पीछे क्यों रह गए? हम कब पहुंचेंगे? हम लोग एक महीने में राजधानी पहुंच जाएंगे। अगर सम्राट ने मुझे कोई शाही पद दे दिया तो मैं तुम दोनों को भी सम्मान दिलवाऊंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो। महाराज बहुत बुरी खबर है महाराज, शेंडोंग में हालत बिगड़ गई है। किंगचुई विद्रोही गुआन जिला, यंगू जिला और डोंगचेंगफू जिले में विद्रोह करते हुए लिंकिन तक पहुंच गए हैं। मेरा फरमान है जनरल सुहेड़े 10,000 सैनिक लेकर विद्रोहियों को पूरी तरह से कुचल दे। हमें बचाओ, ऐसा मत करो, हमारा घर। जल्दी क्या कर रहे हो, हमें जाने दो, हमें छोड़ दो। अरे चलो यहाँ से। बचाओ पिताजी। घर मत करो। क्या हुआ, क्यों भाग रहे हो? ये जगह छोड़ दीजिए। रुक जाओ, सैनिक आ रहे हैं। पागल हो गए हो क्या? पिताजी उनके रास्ते में जो भी आएगा मार देंगे। हाँ ठीक है, मैं चलो, देखता हूँ। मेरी बात सुनो तुम, हम लोग वैद्य हैं, हम इन सब लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ सकते हैं, सब ठीक रहेगा। मैं देखता हूँ, तुम चलो अंदर आओ। चलो चलो। सबको बाहर निकालो, चलो। पिताजी पिताजी इनका इलाज कराओ जल्दी। सेनापति ये सभी मेरे मरीज हैं, इनको लेके जाना ठीक नहीं रहेगा। ये महान सम्राट के सेनापति हैं, चलो हमारे साथ, मरना नहीं चाहते तो चलो। सोच समझ कर बोलिए, अगर हम इनका इलाज नहीं करेंगे तो क्या कर लेंगे आप लोग, बताओ जरा। मेरी बात ना मानने की तुम्हारी इतनी हिम्मत, तो मार डालो मुझे। पीछे हट जाओ, मेरी बात सुनिए, इतना कठोर मत बनिए। मेरे आदमियों को माफ कर दीजिए, मैं आपके सामने भीख मांगता हूँ, मेरी जान बचा लीजिए। सेनापति, सेनापति,
अगर कुछ कहना है तो कहो, नहीं तो अदालत से चले जाओ। महाराज, हाल ही में जो मौसम में बदलाव हुआ है उसे महारानी की हालत थोड़ी ठीक हो गई है। जनरल सू पधार रहे हैं। पिताजी, आराम से। महाराज, उठ जाओ। शुक्रिया महाराज। हम लोग युद्ध जीत चुके हैं और सुनने में आया था कि तुम्हें एक तीर लगने से घायल हो गए थे। तुम्हारा जख्म कैसा है? शुक्रिया महाराज, अभी मेरा पैर भी ठीक है। मुझे एक वैद्य मिल गया था जिसने बांस की बोतल से ठीक किया। बांस की बोतल वाला वैद्य? महाराज, कहीं वो वांग रकिंग का शिष्य तो नहीं? अब वो वैद्य कहां पर है? महाराज, मैं उन्हें शाही महल में लाना चाहता था उनके अद्भुत तरीकों की वजह से। हालांकि मैं सोच नहीं सकता था कि वो आधे रास्ते में ही चले गए। चला गया? महाराज, कहीं ये वो तो नहीं जिसको शाही सूची में डाला था? महाराज, क्या आप उस आदमी को जानते हैं? मुझे संदेह है कि वो उसी रोंग रुकिंग का शिष्य है जो शुंजी के समय में शाही वैद्य थे। मैं चाहता हूँ कि उसे बुलाओ। मैंने गलती कर दी। अगर मुझे पता होता तो मैं उसे आधे रास्ते में यूं इस तरह जाने नहीं देता महाराज, मैं उसे रोकता। और वैसे भी उसने पिताजी की जान भी बचाई थी। मेरी बेटी सही कह रही है, मुझे दुख हो रहा है कि मैं उसका शुक्रिया अदा भी नहीं कर पाया। महाराज, मैं यहाँ से जाने से पहले मैंने कुछ नई सेनाओं को शामिल किया है जो शांति रखने में मदद करेंगे। मैंने ठीक किया ना? मैं अभी उनके पास जाकर उस वैद्य को ढूंढने के आदेश देता हूँ। रहने दो, मैं कोई तरीका निकालूंगा। पिताजी, मेरी समझ में नहीं आ रहा है आखिर आप सोच क्या रहे हैं। हमें फिर से क्यों भागना पड़ा? हम राजधानी के जनरल के साथ क्यों नहीं गए? हो सकता था आपको शाही वैद्य बना दिया जाता। बकवास मत करो, तुम्हारे परदादा जी भी शाही वैद्य थे और उनको वहाँ मारने की साजिश हो चुकी थी। जब हम मृत्युशैया पे थे तो उन्होंने कसम दिलाई कि वैंग परिवार का कोई भी सदस्य उस राजमहल में कभी काम नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? अपने बेटे से प्यार से बात नहीं कर सकते? ओ होंग जियांग, हाँ जल्दी चलो। ठीक है। आराम से। महाराज, हमारा जहाज सांगडोंग पहुंच चुका है, हमें लिंकिंग में रुकना है। महाराज, अभी लिंकिंग में विद्रोह हुआ था, मुझे डर है कि वो जगह सुरक्षित नहीं है और हम पिछली बार गर्मी में ही लिंकिंग आए थे, हम फिर उधर क्यों जा रहे हैं? जो बोला है वो करो। हाँ, मैं समझ गया महाराज। पिताजी, हमें इस छोटे से मंदिर में छुप कर रहना पड़ रहा है, मैं नहीं रह सकता। तुम्हें कुछ नहीं पता, मंदिर गुंडों और सैनिकों से सुरक्षित है, हमें यहाँ कोई खतरा नहीं, निश्चिंत रहो। मुझे रोशनी देखे हुए कई दिन हो गए हैं, मैं बाहर जाकर हवा लेना चाहता हूँ। नहीं, तुम चाहते हो कि वो सैनिक तुम्हें पकड़ के ले जाए? कितने दिन हो गए हैं, सैनिक कब के जा चुके हैं? सरकारी कर्मचारी घबराए हैं, उन्होंने सैनिकों को भेजा है, उन्होंने देख लिया तो बोलो। फिर मुझे चिंता नहीं, जो भी हो मैं बाहर जाकर ताजी हवा लेना चाहता हूँ। इसके अलावा मैं मंदिर के आंगन में ही रहूंगा, दूर कहीं नहीं जाऊंगा। सही कह रहा है, ये बाहर जाएगा तो इसे अच्छा लगेगा, मेरा भी यहाँ मन उब रहा है। शुक्रिया माँ। वापिस आओ। जाने भी दीजिए, खाना खाइए। तुम्हें बिगाड़ा है। हमारे परदादा के जमाने से लेकर अब तक कई पीढ़ियां बीत गई, आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं और यहाँ छिप कर बैठ गए हैं। ये उनकी आज्ञा का उल्लंघन होगा। कुछ नहीं सुनते। चिंता मत कीजिए महारानी, मेरे दादाजी ही महाराज शुंजई के शासनकाल में शाही वैद्य हुआ करते थे जो बांस के बोतल से पुराना दर्द मिटा देते थे। मैं दावा करता हूँ आप 2 दिन में ठीक हो जाएंगे। क्या सच कह रहे हो? अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें शाही वैद्य बना दूंगी। शुक्रिया महारानी। वो मैं था जिसने महाराज डोवेगर को ये बताया कि वो वैंग से आपका इलाज करवाए।
बिल्कुल आश्चर्य नहीं होता सम्राट कंगजई यहाँ बार बार क्यों आना पसंद करते थे। पहाड़ पर वो बोधि मंदिर, पहाड़ों के कई अमर गुरु का वास। ए जयवन, क्या कमाल की लग रही है, अब मेरे साथ तो चल। अबे अब बुढ़ाओ मेरे रास्ते। दादाजी हट जाओ। चमक छल्लो आ भी जा, तुझे चांद। हट जाओ। अरे आ तो, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे पीछे से हमला करने की। उठिए दादाजी। अरे जाने दो मुझे। दादाजी आप ठीक तो हैं? हमें बचाने के लिए शुक्रिया। तुम बड़े अच्छे बेटे हो, तुमने उस बूढ़े आदमी की और उस बेटे की जान बचाई। नायक तो तुम हुए बेटा। दादाजी को लेकर घर जाओ। मैं जानता हूँ तुम्हें भी और तुम्हारे परिवार को बास के बोतल से इलाज करते हो ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। क्या हुआ महाराज? आपके पैर को क्या हुआ? जब उस लड़के से निपट रहा था तो पैर में लग गई। मुझे देखने दीजिए। हाँ रहने दो, तुम कोई वैद्य थोड़े हो? वैद्य ही हूँ। आपको एक राज बताता हूँ, हमारा खानदान हड्डी की बीमारियों को बांस के बोतल से ठीक करने के लिए प्रसिद्ध रहा है। मेरे परदादा शाही वैद्य थे, सम्राट ने हमें भी शाही महल में आने का न्योता दिया था, इसलिए हम छिप रहे हैं। महल में जाना तो गर्व की बात है, फिर तुम गए क्यों नहीं? आपने सही कहा, लेकिन मेरे पिताजी वहाँ जाने नहीं देंगे। महाराज दर्द बढ़ता जा रहा है, अगर मैं आपको पिताजी से चलकर दिखा दूं तो? आप बड़े उदार हैं। सीधे चलिए। हाँ बदमाश लड़का, ये मेरे लिए कोई परेशानी ना खड़ी कर दे। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं, कुछ नहीं होगा। माँ पिताजी लो आ गया वो। पिताजी माँ देखो मैंने कहा था ना। महाशय आपका बेटा कोई मुसीबत में नहीं फंसा है, वो तो न्याय के लिए लड़ रहा है। पिताजी माँ इनका शुक्रिया अदा कीजिए, आज तो मैं मर ही गया होता। क्या मुझे देखने दो, कहीं चोट तो नहीं लगी? आपकी मदद के लिए शुक्रिया। पिताजी मुझे बचाने के चक्कर में इनके पैर में चोट आ गई, इसीलिए यहाँ ले आया, इनकी मदद कर दो। शुक्रिया महाशय। अरे आप देख क्या रहे हैं, जल्दी कीजिए ना। आइए आइए इस तरफ। आपका पैर दिखाइए, आपके पैर में तो कोई तकलीफ नहीं है। महाशय शायद आपके हाथों से ही मेरी बीमारी ठीक हो। ईमानदारी से कहूं तो मेरे पैर में पहले से ही समस्या थी, पूर्वी हवाएं चलते ही दर्द होने लगता है। क्या आपको ठंड महसूस हो रही है? आप अभी ठीक हो जाएंगे। होंग ज़ियांग, हाँ मेरा कप लेकर आओ। महाशय ऐसा लगता है कि आप यहाँ के निवासी नहीं हैं। आपने सही पहचाना, मैं राजधानी का एक व्यापारी हूँ। आप राजधानी से हैं? जी मैं नदी के रास्ते अक्सर सुझोहू और हंगझोहू जाते रहता हूँ, और कभी कभार यहाँ आराम के लिए रुक जाता हूँ। समझ में आ गया। अब राहत है, आपके हाथों में तो जादू है। इसकी क्या जरूरत है, ये बस एक प्रयास था मेरा। आप तो ज्यादा ही बचाव कर रहे हैं अपना, मुझे आपको बताना चाहिए आपकी कला बहुत उम्दा है। मेरी माँ बहुत ही बीमार रहती हैं, कई सालों से मैंने उन्हें कई वैद्यों को दिखाया है, लेकिन उनके ऊपर कोई दवाई काम नहीं करती है। मैंने आपके जैसा वैद्य कभी नहीं देखा, आप मेरे साथ राजधानी चलिए, मेरी माँ का इलाज कर दीजिए, आपका सारा खर्चा मैं दे दूंगा। क्या सोच रहे हैं आप? मुझे माफ कीजिए महाशय, मैं राजधानी में इलाज नहीं करूंगा। पिताजी आप चुप रहो। वैद्य जी
लिंकिंग का हर आदमी उस वैद्य को जानता है जिसने बांस से सेनापति महाशय, क्या वाकई हमें शहर में ले जा सकते हैं? चिंता मत करो, शहर से बाहर जाने के लिए व्यापारियों की कोई खबर नहीं ली जाती। आप लोग मेरे साथ ही रहना। सुनो, हमें इनका कहा मानना चाहिए। बिल्कुल, माने सही कहा। ठीक है, अब आप कह रहे हैं तो हम आपके साथ राजधानी में चलेंगे। बस ध्यान रहे कोई हमें देख ना पाए। आपकी माँ का इलाज करने के बाद आप हमें वापस हमारे घर शेंगडोंग भेज देंगे। हाँ जरूर। राजकुमार, इसे निकालने का समय आ गया है। ठीक है। ये सारा गंदा खून है। कई दिन हो गए ना दर्द ठीक हुआ और ना आराम मिल रहा है। महाराज, आप इस बीमारी से कई सालों से जूझ रहे हैं। लेकिन जिधर लकड़ी लगी थी वहां दर्द और खुजली महसूस हो रही है। मतलब आपकी बीमारी ठीक हो रही है महाराज, चिंता की कोई बात नहीं है। मैं इस पैर के दर्द से बहुत परेशान हूँ, मगर कोई ऐसा वैद्य नहीं मिला जो इसे ठीक कर देगा। लगातार काम करने का ये परिणाम है महाराज, और बढ़ती उम्र के वजह से भी। महाराज, इलाज की हमारी ये खानदानी परंपरा इसी बीमारी को ठीक करने के लिए प्रसिद्ध है। चिंता मत कीजिए, मुझे पूरा यकीन है आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, तुम्हें इनाम मिलेगा। शुक्रिया महाराज। अरे माँ, यहाँ पर तलवार किस लिए है? मैं बताती हूँ, वो राजधानी में सम्राट और बड़े अधिकारियों के अलावा और भी अमीर लोग रहते हैं। जो हमारी नाव चला रहा है वो भी अमीर होगा। हाँ, फिर ठीक है। नसीब या बदनसीबी। क्या हुआ, ये अब क्या बड़बड़ा रहे हैं? अभी तक नींद में हो क्या? इसकी वजह से। इसकी वजह से? महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। मारे गए, ये तो यहाँ का राजा है। हाँ, उठ जाओ। धन्यवाद महाराज। मंत्रियों, मैं अपनी दक्षिणी दौरे से वोंग रंकिंग के वंशज एक वैद्य को लेकर आया हूँ। ये हुआ, वैद्य वैंग को यहाँ पर लाकर सबसे परिचय करो। जी, वैद्य वैंग आपको महाराज बुला रहे हैं। हाँ, चलो। आपको तहे दिल से प्रणाम महाराज। महाराज, कुछ ही दिन पहले वोंग रुकिन का वंशज हमारी सैनिकों के साथ महल में आया था और उसने महारानी का इलाज भी किया था, और साथ ही कुछ दिन पहले इसने मेरे चोटिल पैर का भी इलाज किया था। तो फिर उसका एक और वंशज यहाँ कैसे आ सकता है? क्या चल रहा है? महाराज, मैं आपसे तहे दिल से माफी चाहता हूँ। आप जो सोच रहे हैं, मैं उस शाही वैद्य का वंशज नहीं हूँ। कृपया करके मुझे शेंगडोंग वापिस जाने दे। अगर तुम उनके वंशज नहीं हो फिर तुम्हारे बेटे ने क्यों कहा? महाराज, ये बच्चा नादान है, महाराज इसे माफ कर दे। महाराज, हम माफी मांगते हैं। तुमसे एक बार और पूछता हूँ, तुम उनके वंशज हो या नहीं? नहीं, हम वो नहीं है।
सबको ले जाओ, मार दो। नहीं, हम निर्दोष हैं। हमें छोड़ दीजिए महाराज, हम निर्दोष, हमने कुछ नहीं किया महाराज, हमें छोड़ दीजिए। पिता और पुत्र की बातों में फर्क है। एक बेटा उनका वंशज होने से इनकार कर रहा है और दूसरा बेटा कह रहा है कि वो वंशज है। मेरा आपसे निवेदन है कि कोई भी निर्णय लेने से पहले आप इस मामले की जाँच पड़ताल करें। बिल्कुल सही, उन तीनों को निगरानी में रखो, समझ गए? उनके महाराज का अचानक से मन बदल गया, नहीं तो हम लोग मर गए होते अब तक। हम सबको यहाँ बंद कर दिया, पता नहीं कब बाहर जाएंगे। भगवान जाने। मैं उनसे बात करने जा रही हूँ। सम्राट ने खुद व्यापारी बनने का नाटक क्यों किया? हम कोई अपराधी नहीं है जो ऐसा कर रहे हैं। तुम उनसे बात करोगी? तुम एक औरत हो। माना मैं एक औरत हूँ, पर तलवार भी उठा सकती हूँ मैं। हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं बात करूंगी उनसे। रुक जाओ, वापस आओ। वैद्य वैंग, अब आप ही इस महल के शाही वैद्य हैं। महल में आते ही राजकुमार ने आपको सम्मानित किया। मुझे पैसे या पुरस्कार से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो बस इससे मतलब है कि मैं महल में शाही वैद्य बन जाऊं। मैंने महाराज से बात की और तुम्हारी कला के बारे में उन्हें बताया, ये भी कहा कि तुम्हें राजदरबारी वैद्य बनाए। वैंग जिमैन को मरवाने की कोशिश भी की। मेरे बारे में उनसे बात करने के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। गुरुजी, लगता है वो आदमी सच में वांग परिवार का वंशज है और वांग जियांग नकली है। उस असली को रखने से अच्छा इस नकली को रखा जाए। तो गुरुजी आपका मतलब? ऐसे अयोग्य लोगों से हमें कोई खतरा नहीं होगा। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? महाराज हमसे क्या चाहते हैं? एक महीने से ऊपर हो गया, कोई कुछ बता ही नहीं रहा हमें। गुरु कमिश्नर ली का कहना मानो तो मुझे लगता है आपके साथ कुछ गलत होगा। वो हमें मारना चाहते हैं क्या? मैं बस ये कहूंगा कि दूसरे वैद्य ने अपना काम अच्छे से कर लिया, फिर तो आपकी जरूरत नहीं। अजाक। हाँ? बस करो, खाना खा लो, छोड़ दो उसे। बेटा ये सब रहने दो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात है पिताजी? हमारे पैतृक कानून के हिसाब से जो आखिरी चार जड़ी बूटियां हैं ये हमारे परिवार की गुप्त हैं, और इनको बस मैं जब मरने जाऊंगा तभी तुमको दे सकता हूं। लेकिन अभी का जो वक्त है उसमें हम जिएंगे या मरेंगे पता नहीं। वो मुझे मारना चाहते हैं तो मुझे उन्हें मार लेने दो। आज ही मैं अपनी गुप्त जड़ी बूटियों का रहस्य तुम्हें बता देता हूँ। ये चार जड़ी बूटियाँ बाकी जड़ी बूटियों की ताकत को बढ़ा देती हैं। बाकी जड़ी बूटियाँ इनके बिना कुछ भी नहीं, लेकिन तुम इनके रहस्य को कहीं लिख नहीं सकते हो। इसे अपने दिमाग में रखना होगा। पिताजी, 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 वो मुझे कभी भी मार सकते हैं। नहीं बेटा, अब वो वक्त बहुत दूर निकल चुका है। ये हमारी पैतृक विरासत के बारे में है, हमारे परिवार के बारे में। इन चार जड़ी बूटियों का रहस्य जानने के लिए तुम वैंग परिवार के इकलौते वारिस हो, यही पैतृक कानून है। पिताजी, मेरी जान, क्या हुआ तुम्हें? मुझे बचा लीजिए महाराज, मैं मरने वाली हूँ। महाराज, महारानी वान मुश्किल से सांस ले पा रही है, इनकी जिंदगी खतरे में है, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। यहाँ पर कौन वैद्य इनकी मदद कर सकता है? क्यों ना वैंग जिमेंग को मौका दे जो शेंगडोंग से आया था। अगर वो असली वंशज होगा तो इस मामले में वो जरूर कुछ करेगा। वैंग जिमेंग, जल्दी करो, उन्हें लेकर आओ। जी महाराज। देखो बेटा, आज के बाद से तुम हमारी पांचवी पीढ़ी हो, हमारे परिवार की पांचवी पीढ़ी। महाराज का आदेश है कि वैंग जिमेंग को दरबार में पेश किया जाए। कहाँ ले जा रहे हो बेटा? बेटा तुम ध्यान रखना। बेटा मैं आऊंगा, छोड़ो मत। जो मैंने बोला वो ध्यान रखना। रुक जाओ, हम उन्हें मारने के लिए नहीं ले जा रहे हैं। महारानी की सेहत बहुत खराब है,
चलो जल्दी। महाराज, महारानी को एक्जिमा की परेशानी है जो गलत दवाइयों की वजह से हुई है। तो इलाज करो। जी, देखिए उस सुई को उस जगह पर जाके चुभाइए। जी। यहाँ आओ, इसको घोल करके महारानी के लिए बना के ले आओ। महाराज, मुझे आपसे एक दरख्वास्त करनी थी। पहले उनकी जान बचाओ। घबराइए मत महाराज, इससे महारानी के इलाज में दिक्कत नहीं आएगी। बताओ। अगर मैंने महारानी को बचा लिया तो मैं आपसे पुरस्कार नहीं मांगूंगा। बस महाराज, वादा कीजिए कि आप मेरे परिवार को उनके घर वापस जाने देंगे। पहले इन्हें ठीक तो होने दो। ठीक है मेरी जान, अब कैसा लग रहा है? महाराज, बेहतर महसूस कर रही हूँ। जल्दी करो, महारानी के लिए एक और बनाओ। महारानी को थोड़े गर्म पानी की आवश्यकता है। महारानी अब बेहतर महसूस कर रही है। महाराज, क्या ये नए वैद्य जी हैं तो इन्हें पुरस्कार देना चाहिए? नहीं महारानी, मैं तो बस एक साधारण इंसान हूँ। महाराज, महारानी अब ठीक हो चुकी है, अब आपको हमें जाने देना चाहिए। महाराज, हम उन्हें जाने नहीं दे सकते। इन्हें यहीं रखिए। तुम कहाँ जाना चाहते हो? महाराज, आपने मुझसे वादा किया था। एक सम्राट होने के नाते मैं यही चाहूंगा कि तुम यहीं रहो। महाराज, महाराज चाहते हैं कि तुम महारानी और राजकुमार गुओ का लगातार इलाज करते रहो, ताकि हमें पता चले कि तुम असली हो या नकली। अगर उनकी बीमारी ठीक हो गई तो तुम असली हो। मैं यही कहना चाहता था, जब ये लोग ठीक हो जाएंगे तभी हम लोग तय करेंगे क्या करना है। महारानी जी, वोंग कितने कमाल के वैद्य हैं ना, सिर्फ 15 दिन ही हुए और आप कितना अच्छा महसूस कर रही हैं। ध्यान से। राजकुमार, ये जो परेशानी है ये रक्त धमनियों में जमाव की वजह से है, जो कि ठंड लगने से हुई है। आपने बिल्कुल सही कहा वैद्य वैंग, हमारी महारानी भी ऐसे ही बीमारी से पीड़ित थी। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं राजकुमार, आप एकदम ठीक हो जाएंगे, सिर्फ 4 खुराक लेनी है। 4 खुराक? क्या सच में? वैद्य वैंग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजकुमार गु, आपको बढ़िया वैद्य कौन लगे, वैद्य वैंग जिमेंग या वैंग जैंगचिंग? जब से वैद्य वैंग जिमेंग मेरा इलाज कर रहे हैं उसके बाद से मेरा मन हल्का रहने लगा और खून भी काफी अच्छे से चलने लगा। मैंने ऐसा कभी महसूस नहीं किया, लेकिन वैंग जैंगचिंग के समय ऐसा नहीं था। राजकुमार, ये सब इसलिए हुआ कि हमने खास मरहम लगाया था सुई लगाने के पहले, जिसमें एक खास तरह की घाव भरने की क्षमता है। राजकुमार और महारानी के 2 दिन के इलाज के बाद वो लोग ठीक हो जाएंगे। उसके बाद आप मेरी तरफ से महाराज को ये कह देना कि वो पहले मुझे पुरस्कृत करें, उसके बाद नौकरी दे दें। महल में मुझे 3रा स्थान तो मिलना चाहिए। समझ गया, मैं पहले ही महाराज से बात कर चुका हूँ। हम इस राजमहल में 20 सालों से हैं और अभी तक 4थे रैंक तक पहुँचे, लेकिन मैं कोशिश करके आपको 3री रैंक पहुँचाऊँगा। शुक्रिया कमिश्नर ली। वैद्वेंग, क्या हो रहा है? चलो हमारे साथ। क्या कर रहे हो? चलो, मुझे जाने दो। वैंग चेंगजिन, सच बताओ, क्या तुम ही वैंग रुकिंग के वंशज हो? हाँ महाराज, मैं जब बच्चा था तभी मेरे पिताजी ने बांस के बोतल से मुझे इलाज करना सिखाया था। बांस की बोतल से इलाज करने की यह हमारी परंपरा हमारे परदादाओं के जमाने से चल रही है और शुंजी के शासन काल में वो वैद्य थे। तुम्हारे परदादा का नाम क्या था? बताता हूँ महाराज, परदादा का नाम वांग रुकिंग था। महाराज, ये लड़का झूठ बोल रहा है, रिकुइंग मेरे परदादा जी का नाम था।
यूनुशाही, दस्तावेज में देखिए कि कितने वैंग रोकिंग थे। जी महाराज, शाही महल के औषधि विभाग के दस्तावेज के अनुसार सिर्फ एक ही वांग रुकिंग थे। वो मेरे परदादा थे, तुम नकली हो। जो सच है वही सच है, कोई भी झूठ सच नहीं बन सकता है। वेंग चेंगजिन, तुम्हारा खानदान इलाज के लिए कितनी औषधि का प्रयोग करता है? मेरे पिताजी ने मुझे 48 रामबाण औषधि बताई थी। वेंग जिमेंग, और आपको? महाराज, मेरे परिवार की गुप्त जड़ी बूटियों में 48 जड़ी बूटियां हैं। शाही औषधि विभाग के दस्तावेज में भी 48 रामबाण औषधि का ही जिक्र है। वेंग चेंगजिंग, तुम इतने दिनों से इलाज कर रहे हो, पर महारानी की हालत में सुधार क्यों नहीं हो रहा? और राजकुमार गुओ को तुम्हारे इलाज के चलते बोतल जहां लगाते थे वहां खून भी जम गया, इसके बारे में क्या कहोगे? महाराज, हर किसी का मामला अलग अलग होता है। शायद मेरा खानदानी नुस्खा उन पर काम नहीं कर रहा, इसीलिए वो ठीक नहीं हो पा रहे। बकवास। देखिए महाशय, मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? क्या आपकी दवाओं में कॉम्फी और टोड है क्या? महाराज, देखा आपने, यह आदमी नकली है। ये मेरे गुप्त रामबाण के बारे में जानना चाहता है, वो भी आपके सामने। अगर आप उत्तर नहीं दे सकते तो आप जड़ी बूटियों के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। तुम्हें तो मेरे पास वो है जिसका प्रयोग खून बहने से रोकने के लिए और धब्बे साफ करने के लिए किया जाता है। सही मात्रा क्या होगी उनकी? कॉम्फी 5.5 ग्राम दिया जाता है। देखा मेरे महाराज, महारानी के ठीक ना होने का और उनकी तकलीफ में आराम ना होने का एक बहुत बड़ा कारण है कॉम्फी का डोज। ये रक्त संचार करके सूजन और दर्द में आराम देता है। इसकी अधिकतम मात्रा मात्र 3.6 होनी चाहिए। अधिक मात्रा में दिए जाने पे इसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं। यही कारण है कि महारानी को इस दवा से कोई फायदा नहीं हो रहा था। और दूसरा कारण है सुई से इन्फेक्शन, और ये इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारे इलाज में सुइयों का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से मरीज को कोई आराम नहीं मिला। महाराज, मेरे पिताजी ने एक बार मुझे कहा था, जब मेरे परदादा राजमहल में वैद्य थे तब वहाँ पे वैंग हुआड नाम के एक वैद्य ने उन्हें फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन अफसोस वो ऐसा नहीं कर पाया। मुझे लगता है वो परदादा जी इन्हीं के वंशज थे। क्या बकवास कर रहे हो? मेरे पिताजी ने मुझे बताया था कि परदादा को नया तरीका ढूंढने कहा था, महल में नहीं जगह दी थी। वेंग चेंगजिन, तुम कहां से हो? मैं हूँ, मेरे पिताजी ने कभी मुझे बताया नहीं, लेकिन मुझे पता है कि मैं लिंगनान में पला बड़ा हूँ। वेंग जिमेंग, तुम्हारा असली घर कहाँ है? महाराज, मेरा घर शेंडोंग के गोन में है। महाराज, शाही विभाग के दस्तावेज के अनुसार वांग रुकिंग गुआन जिले के शेंगडोंग से थे। उस समय जिस आदमी ने वांग रुकिंग की गुप्त औषधि जानने की कोशिश की थी उसका नाम वैंग हुएड था, और महाराज ने उसे लिंगनान भेज दिया। वैंग जिमेंग, तुम लिंकिंग में लोगों का इलाज क्यों करते हो? वो इसलिए महाराज क्योंकि मेरा बेटा नासमझी में शाही पत्र को ले आया था, फिर मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं था, मुझे निकलना ही पड़ा। तुम लिंकिंग क्यों भाग गए? हमारे पैतृक कानून के हिसाब से वैंग परिवार के किसी भी सदस्य को राजमहल में आना मना है। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। महाराज, मेरे पिताजी ने कहा था कि मेरे परदादा का नाम वांग रुकिंग था, ना कि वांग हुएड। भले ही मेरा परिवार लिंगनान में रहता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम लिंगनान के ही हैं। आप मुझे नकली नहीं कह सकते महाराज, ये गलत है। महाराज, शाही महल के औषधि विभाग के दस्तावेज के अनुसार महाराज शुंजी ने वांग रुकिंग को याद के रूप में सोने की सुई दी थी, और वो सुई शाही वैद्य के अलावा किसी और के पास बिल्कुल नहीं थी। वेंग चेंगजिंग, क्या तुम्हारे पास वो सुई है? नहीं महाराज, मैंने पिताजी से ऐसा कुछ भी नहीं सुना। वेंग जिमेंग, क्या आपके पास वो है? जी मेरे महाराज, आज की तारीख में बस एक ही सुई बची है। ये मेरी पैतृक विरासत है, इसलिए मैंने इसे संभाल कर रखा हुआ है। मुझे लगा आवश्यकता होगी, इसीलिए मैंने आज सुबह ही इसे अपने पास रख लिया था। वेंग चेंगजिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? परदादा को लिंगाना भेजा गया था ना वेंग रुकिंग से धोखा करने के चलते, और अब तुम उनसे भी आगे बढ़कर खुद को वेंग रुकिंग का वंशज बताने लगे। झोला छाप वैद्य बनकर लोगों को धोखा देते हो, इसे मार दो। महाराज, मुझे सच में नहीं पता था, मुझे माफ कर दीजिए महाराज। महाराज, मेरे और इनके बीच का मतभेद हमारे पूर्वजों के द्वारा शुरू किया गया था। अब जब इनको इसकी जानकारी नहीं है तो इनकी
जान को बख्श दिया जाए। बेशक तुम कन्फ्यूशियस और मेंसियस के गृहनगर से हो, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, इसकी जिंदगी बख्श दूंगा। वेंग चेंगजिंग, मेरे परदादा ने तुम्हारे परदादा को उस समय लिंगाना भेजा था, और अब मैं तुम्हें सीधा दक्षिण रेगिस्तान भेज रहा हूँ, और अब तुम कभी भी वैद्य नहीं रहोगे। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। वेंजिमेंग, तुम्हारा पुरस्कार, मैं तुम्हें पांचवें दर्जे का शाही वैद्य बनाता हूँ, तुम्हारी पत्नी को अधिकारी पद और तुम्हारे बेटे को एक पद देता हूँ। महाराज। और सुनो, तुम्हें इतना ही नहीं, 100 सोने के सिक्के, 1000 चांदी के सिक्के और सिल्क के 10 डब्बे, राजधानी में एक मकान भी दिया जाएगा। महाराज, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, चाहे जो भी हो, मुझे ये सब नहीं चाहिए महाराज। और तुम्हें क्या चाहिए, मैं वो भी तुम्हें दूंगा। महाराज, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं बस ये चाहता हूँ कि आप हम लोगों को हमारे घर वापस जाने दें। वैद्य वैंग, आप महाराज को निराश मत कीजिए, आप यहीं पर रहिए। मैं समझता हूँ महाराज, मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं बस अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। वैंग जी वैंग, पता है तुम शाही वैद्य नहीं बनना चाहते, तुम्हारे खानदानी कायदे के चलते दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। महाराज, मेरी गलती के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। तुम्हारा मतलब है कि मेरी सेवा करना उतना खतरनाक है जितना किसी बाघ की, सही कहा ना? मैं ऐसा नहीं कह सकता। महाराज, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, वैद्य वैंग के कहने का मतलब वो नहीं था। पता है, वैद्य वैंग, हमारे महाराज बड़े चतुर हैं, उन्होंने शेंगडोंग से आपको ढूंढ कर लाया है, अब फिक्र मत कीजिए। ठीक है, मैं अपना फिर वचन देता हूँ, अब से कोई परेशान करता है तो मैं न्याय दूंगा। इस दया के लिए आपका शुक्रिया। मेरे प्यारे सहायक, आपके कायदे का पालन करने की इच्छा देखते हुए, आपका दयालु दिल देखते हुए, आज से आपका नाम बदलकर वेंग झाओ होता है। शुक्रिया महाराज, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये लीजिए, थोड़ी सी शराब पी लीजिए, आपने मेरी जान बचाई उसका शुक्रिया अदा करने के लिए, और दूसरी बात, शाही वैद्य बनने के लिए आपको बधाई देने के लिए भी। मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया, वैसे आपकी जान बचाना एक वैद्य का कर्तव्य था। अरे छोड़ो भी, आप बहुत दयालु हैं, मैं आपको दिल से सम्मान देता हूँ, चलिए पीते हैं। ये भी लीजिए, मुझे लगता है कि आपकी और मेरी जोड़ी बहुत खूब जमेगी, तो चलिए आज से हम लोग भाई भाई, आप क्या कहते हैं? मुझे आगाज प्रसन्नता होगी इससे, लेकिन आप में और मुझ में बहुत अंतर है। मैं और कुछ नहीं सुन सकता, तो आज से मेरी बेटी और आपका बेटा दोनों भाई बहन, क्या कहते हैं? तो चलो बड़े भाई, इस दोस्ती के नाम पर एक जाम हो जाए। महाराज, भाई साहब, भाई साहब। अरे पियो पियो। ये लीजिए, खाना खाइए, अब कुछ खा भी लो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बैठ जाइए श्रीमती जी। हमारे पूर्वजों का शुक्रिया कि आपसे मिलना नसीब हुआ। अब ऐसी बात मत कीजिए, आज से हम लोग एक बहुत बड़े परिवार की तरह हैं। अब हम एक परिवार हैं। हाँ, लीजिए लीजिए। हंसियाम, बहन को कुछ खिलाओ। तुम तो डरे हुए हो, अगर महल में तुम्हें कोई परेशान करे तो मुझे बताना, और अगर तुम्हें लड़ाई सीखनी हो तो भी मुझे बताना। सुनो, भैया के साथ मजाक नहीं। हाँ, समझ गई पिताजी। ये बच्चे हैं, इनसे क्या ही बोलना हमें। सही कहा। पहले आप भाई साहब। कमिश्नर ली, कानून के अनुसार मुझे नहीं पता आपसे क्या कहना चाहिए, लेकिन आप महारानी को कई साल से ठीक नहीं कर पाए, तो जाहिर सी बात है महाराज आपको तवज्जो नहीं देंगे।
आपको पता है आज महाराज ने वैद्य वैंग को बुलाया था। दूसरे मामलों में मैं मदद कर सकता हूँ, लेकिन औषधि मामले में बिल्कुल नहीं। ये हो ही नहीं सकता। ये जगह दूसरे जगहों की तरह बिल्कुल नहीं है। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो ही यहाँ रह सकते हैं। वैंग जिमैंग कहीं और का वैद्य महल में आकर शाही वैद्य बन गया, और महाराज की उस पर कृपा भी है। उसका बड़ा हथियार है गुप्त रामबाण औषधि। और आप तो हल्की फुल्की बीमारी भी ठीक नहीं कर पाते, तो मैं आपकी कैसे मदद करूं? आप इस महलों में कई वर्षों से हैं, अभी तक आपने बिल्कुल तरक्की नहीं की। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपका कुछ नहीं होगा। आप सही कह रहे हैं। वैद्य वैंग, अगर आपको यहाँ काम करने में कोई परेशानी हो तो आप बेझिझक मुझे बताइएगा। इस मेहरबानी के लिए शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपको यहाँ के कायदे और कानून बता देता हूँ, ठीक है ना? जी जरूर, मैं सारी बातें सुन रहा हूँ। कोर्ट शाही वैद्य को लेके बहुत सख्त है। पहला, शाही वैद्य के पास शाही सलाहकार होने चाहिए। जब वो राजा रानी या उनके परिवार का इलाज करेंगे तो दवाओं के बारे में मंत्री या सलाहकारों को बताना पड़ेगा, और उन दवाओं का प्रयोग पहले उनके ऊपर किया जाएगा। और दूसरा, सारी जड़ी बूटियां शाही खजाने के शाही दवाखाने से ही ली जाएगी, और ये सब कुछ मेरी निगरानी में होगा। देखिए, मैं शाही कानून का अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे परिवार की गुप्त जड़ी बूटियां हैं, तो क्या इसमें मुझे अपवाद नहीं मिल सकता है? वैद्यवैंग, मेरा सर कलम कर दिया जाएगा अगर मैंने ऐसा करने का सोच भी लिया। लेकिन वैद्यवैंग, महाराज को अचानक पैरों में दर्द होने लगा है, उन्होंने आपको बुलाया है। जी हाँ। महाराज, क्या आपके दर्द में कुछ कमी आई? दर्द तो कम हुआ, पर तलवे दर्द होने का कारण क्या है? देखिए महाराज, इसका बस एक ही कारण है, श्यूमेटिज्म। आपको अब और ज्यादा चलना फिरना होगा, पर ज्यादा मत चल लीजिएगा। सही कहा, मैं अब 50 साल का होने वाला हूँ, सेहत का ध्यान रखना चाहिए। वैद्यवैंग जी, अभी आपने जिस सुई का प्रयोग किया था वो उसी सोने की सुई थी क्या जिसे शंझाई ने दिया था? महाराज, ऐसा ही होगा। चांगू से बनी हुई सुई की बनावट बहुत अच्छी होती है और वो सख्त भी होती है, साथ ही शरीर को कोई नुकसान भी नहीं होता है। ऐसी सुई को यूं ही मत प्रयोग करो, याद के तौर पर रख लो उसे। मैं आपको सोने से बनी हुई ऐसी 10 सुई और दूंगा जिनका आप इस्तेमाल करना। शुक्रिया महाराज। इसके अलावा सोने का एक कमरबंद आपकी पत्नी के लिए और बाला बेटे को, और सफेद नील रंग की एक तश्तरी दी जाएगी। शुक्रिया महाराज। महाराज, क्या हम एक और मदद मांग सकते हैं? महाराज का आदेश है कि वैंग जो अपने औषधि जहाँ से मन करे वहाँ से खरीद सकते हैं। ये बात सभी लोग अपने ध्यान में रखे, अपना ख्याल रखिए। ध्यान रखिएगा। वैद्यवैंग, आप तो चमत्कार करके दिखाते हैं। मेरे हाथ और पैरों का दर्द बढ़ता जा रहा है। कमिश्नर ली की दवाई भी काम नहीं कर रही। पर इसे आराम ही नहीं आ रहा था। सही कह रही है ये। अरे आप कब आए? चलो चलो, आइए ना। आइए आइए, अंदर आइए। आइए आइए, यहाँ बैठिए ना। कमिश्नर ली, अगर आपको जरूरत थी तो मुझे बुला लिया होता। मैं तो बस यहाँ से निकल रहा था तो सोचा मिल लूं। आपको कुछ और तो नहीं चाहिए? इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैद्यवैंग, पिछली बार जो आपने मुझसे दरख्वास्त की थी, मुझे लगता है उससे शाही कानून का उल्लंघन हो जाएगा। मैं जानता हूँ नए वैद्य को ये सब नहीं पता। मैं तो बस कोशिश कर रहा हूँ कि आपको शाही कानून से अवगत करा सकूँ। मैं जानता हूँ कि आपके परिवार की एक गुप्त विद्या है। देखिए वैद्यवांग, मैंने नहीं सोचा था कि आप ये बात महाराज से जाके बोल देंगे। कमिश्नर ली, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। कमिश्नर ली, आप मेरे पिताजी को गलत समझ रहे हैं। मेरे पिताजी ने आपको बताया नहीं, इसलिए। बात करने का तरीका सुधार लो तुम। वे
वेद वैंग। हाँ, बोलिए क्या हुआ? राजकुमारी गेहुआ के पैर में मोच आ गई है, आप जल्दी चलिए। राजकुमारी गेहुआ, जल्दी जाइए। नहीं, राजकुमारी गेहुआ ने कहा है कि हेंगजानी उनका इलाज करेंगे। अभी उनके पास अनुभव नहीं है, वो उनका इलाज नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं, आप बेटे को जाने दीजिए। तुम देख क्या रहे हो, जल्दी जाओ, जल्दी। राजकुमारी गेहुआ, अपने पैर बाहर निकालिए। तुम तो डरे हुए हो, कैसे वैद्य हो तुम? यहाँ पर दर्द हो रहा है? नहीं, यहाँ पर आराम से, वहां दर्द हो रहा है। राजकुमारी गेहुआ, आप चिंता मत कीजिए, ज्यादा दर्द नहीं होगा, बस एक मधुमक्खी के काटने जैसा लगेगा। हाँ, तुम कर लो, मुझे दर्द नहीं होगा। अरे खाना खाओ, क्या सोच रहे हो? मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ माँ। बेटा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आप लोगों के बीच में एक भाई बहन का रिश्ता है, इस बारे में कुछ गलत मत सोचना तुम। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कुछ अच्छा ही सोच रहा होगा, और हो सकता है ये गांव के लोगों को याद कर रहा हो, वो भी नहीं कर सकता क्या? क्या बकवास कर रही हो? पिताजी, मैंने तो केवल इलाज किया है, बस कोई कल्पना नहीं कर रहा। मेरी बात सुनो, हम इस समय राजमहल में हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोगों की नजरें रहती हैं। हाँ, तुम्हारे पिताजी सही कह रहे हैं, पता नहीं क्यों मुझे इन लोगों से कुछ डर सा लगता रहता है, जरा संभल कर रहना। फिर तुमने बोला, मैंने कितनी बार कहा है यहाँ पे लोगों के पीठ पीछे बात नहीं करनी है हमें। मैं आपकी तरह नहीं हूँ, आपको तो सब अच्छे लगते हैं। कितने लोगों का इलाज किया आपने और किसी से पैसे भी नहीं लिए? वो लोग गरीब और दुखियारे थे, ये तो पुरानी प्रथा चली आ रही है कि गरीबों का इलाज मुफ्त में करना चाहिए। सही कहा। कमिश्नर ली, महाराज के साथ शिकार करते समय राजकुमारी के पैर में कांटे चुभ गए हैं, वो जल्दी ही महल में लौट आई है। उनके पैर में तकलीफ होने की वजह से महारानी का इलाज करने के लिए वैद्य वैंग को महारानी ने बुलाया है। आप निश्चिंत रहिए महाशय, मैं वैद्य वैंग से बात करूंगा कि वो राजकुमारी को जाके देखे। मैं निकलता हूँ। फूल और पौधों से परेशानी? क्या? आज राजमहल के शाही वैद्य वांग महाराज को देखने गए हैं, वो आज नहीं आ पाएंगे। तो क्या वो इतने व्यस्त हैं? मुझसे ज्यादा महाराज की फिक्र है, उनसे कहना कल सुबह आकर मिले। पिताजी, युनिशी बोले हैं कि महल के औषधालय से कोई भी किताब पढ़ सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। तुम्हें बहुत मेहनत से पढ़ना होगा अगर तुम्हें शाही वैद्य बनना है तो। चाचा जी, चाची जी, होंगजैंग। वाह, राजकुमारी गेहुआ आई हैं। आओ आओ, अंदर आओ। अरे उठो, बैठने दो। आओ बेटा, बैठो। बैठिए। राजकुमारी गेहुआ। चाचा जी, मौसम ठंडा होने की वजह से मेरी माँ की कमर में दर्द हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ होंगजैंग को लेने आई। ऐसा है तो मैं चल के देखता हूँ उन्हें। चाचा जी, माँ ने कहा है होंगजैंग उन्हें ठीक कर देगा, और मेरी माँ ने उनके लिए एक तोहफा भी रखा है, वो उसे खुद देना चाहती है। अच्छा, आप उन्हें शुक्रिया कहिएगा। होंगजैंग, चलो जाओ। जाओ ना। अरे सुनो, जाकर वैद्य वांग से कहो कि आकर महारानी को देखे, उनके पैर में दर्द हो। कमिश्नर शहर से बाहर गए हैं, मैं अभी वैद्य वैंग के यहाँ से आया हूँ, दरवाजा बंद था, वो आज यहाँ पर नहीं आए हैं। अगर भरोसा नहीं है तो खुद जाकर देखो। जाकर उन्हें ढूंढो, वरना राजकुमारी नाराज हो जाएंगे। महाराज के अलावा महल में कोई नहीं है जो वैद्य वैंग के पास जा सके। वो कल यहाँ नहीं आया और आज नौकरी पर भी नहीं आया, मेरी बात ना मानने की हिम्मत कैसे हुई? क्योंकि मेरे पिताजी महल में नहीं है। महारानी, मैं जाकर फिर से उन्हें ढूंढती हूँ। नहीं, रहने दो। वैंग जोंग मेरे आदेश का उल्लंघन कर रहा है, मैं उसके पास कई बार गया कि वो दवाइयाँ लेकर के महारानी को जाकर के देखे, लेकिन वो नहीं जा रहा है।
उसकी हिम्मत कैसे हुई? आप चाहें तो राजकुमारी से पूछ सकते हैं। पिताजी आपको तो ये भी नहीं पता, मैंने वांगजाओ को मुझे मिलने के लिए बुलाया था पर वो नहीं आया। उसे मेरी कद्र नहीं और वो बिना वजह नौकरी पर भी नहीं आया। उसे महल में रखने से क्या फायदा? इस जुर्म के लिए उसे सजा मिलनी चाहिए। वांगजाओ को यहाँ भेजो। मेरा प्रणाम स्वीकार करें आप सभी लोग। आपने राजकुमारी का इलाज क्यों नहीं किया? मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे पास तो कोई भी नहीं आया इनके लिए बुलाने को। तुम झूठ बोल रहे हो। किफेंग कई बार तुम्हें बुलाने आई पर तुम नहीं आए। मैंने किफेंग को पहले कभी नहीं देखा। महाराज मैं कमिश्नर ली के पास गई थी कि वो वैद्य को महारानी के पास भेजे पर कमिश्नर ली वहाँ नहीं थे। महाराज मैंने अपने कामों को इसमें लिखा हुआ है। पहले दिन मैं शाही वैद्य के कमरे में राजकुमारी गहुआ की दासी का इलाज कर रहा था, मैं वहाँ पूरे दिन था। और दूसरे दिन राजकुमारी गहुआ मेरे बेटे को मेरे यहाँ पर बुलाने के लिए आई थी और मैंने अपना कमरा पूरे दिन नहीं छोड़ा। बस एक बार मैं शौचालय गया था, तो ये कैसे हो सकता है कि ये मुझे बुलाने आए हों? महाराज की जय हो। मैं यहाँ से गुजर रही थी, वैद्य वैंग ने जो कहा वो सच है। सितंबर की दूसरी तारीख को मैं डॉक्टर वैंग के पास अपनी माँ के इलाज के लिए गई थी। जरूर औषधालय विक्रेता से कोई गड़बड़ी हुई है। उसको भेजो। महाराज अगर ऐसा है तो ये सब मेरे शिष्य की गलती है, ना कि वैद्य वांग की। मेरा शिष्य जवान और लापरवाह है, ये सारी मेरी गलती है महाराज। मैं इसके लिए सजा भुगतने को तैयार हूँ महाराज। आप जो सजा चाहे मुझे दे सकते हैं महाराज, किंतु मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। कमिश्नर लीन, लेडी ली के बारे में सोचते हुए और उस विक्रेता की गलती की वजह से मैं आपको जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगी। महाराज दाल में कुछ काला है, कोई इन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। जब महारानी तुम्हें दोष नहीं दे रही तो कमिश्नर ली अपने सहायक को कायदा सिखाओ, आगे से ना हो। मामला सुलझाने के लिए शुक्रिया गुरुजी, वरना आज मुझे दरबार में सजा मिल जाती। हम इसे कम नहीं आंक सकते हैं। महारानी जी हो गया। इस इलाज के बाद मुझे बहुत राहत मिलती है, लेकिन इससे दर्द कम नहीं होता। महारानी चिंता मत कीजिए, आपकी हड्डियों की तकलीफ काफी पुरानी है, लेकिन आपको आराम मिल जाएगा। बस दो बार दवाइयां लीजिए और तीन बार में आप ठीक हो जाएंगी। वैद्य वैंग, मेरे आलस के कारण इतनी बड़ी गलती हो गई और आपसे मिलने में नहीं आ सका था। आपको मेरे वजह से तकलीफ उठानी पड़ी, मैं मौत की सजा पाने का हकदार हूँ। उठ जाओ। देखो इसमें इतना घबराने वाली कोई बात नहीं है, हो जाती है गलतियां कभी कभी। पर तुमने महारानी का हुक्म हम तक क्यों नहीं पहुंचाया? कमिश्नर को पता था वैद्य वैंग कई लोगों के इलाज में व्यस्त है। जब वो बाहर चले गए थे तो मुझे सब इंतजाम करने को कहा था। ये सब मेरी गलती है, इसमें कमिश्नर की कोई गलती नहीं। मुझे तुम पर भरोसा नहीं। ये सब बातें दोबारा मत बोलो, माफी मांग रहा है ना ये। माफ करने के लिए शुक्रिया, आगे से मैं अब जो कहोगे वो जल्दी से कर दूंगा, ये मेरा वादा है। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम लोग शाही महल में साथ काम कर रहे हैं और हमें एक दूसरे का पूरा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आपको शाही महल में कोई भी औषधि चाहिए ना तो सबसे पहले मैं दूंगा। पिताजी हमारे पास हुतुनिया और लिसोरिस औषधि खत्म हो गई है। वैद्य वैंग हमारे औषधालय में ये सभी औषधियाँ हैं, मैं लेकर आऊँ। रुको, होंग जियान जंगल से खुद ले आएगा। आपको पता है हम लोग ज्यादातर औषधियाँ हिमालय पहाड़ से लेके आते हैं, हमें उसकी जरूरत नहीं है। देखो बेटा जी, जाओ तुम इनके साथ चले जाओ। वैद्य वैंग शाही औषधालय अभी बंद हो गया है, फिर भी मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। बस इसको अपने साथ जाने दो, तुम जाओ बेटा। इस तरफ। मुझे इस लड़के पर भरोसा नहीं है, आपको कुछ गलत नहीं लग रहा? बच्चा खुद माफी मांगने आया था, इसमें गलत दिखने वाली क्या बात है? मुझे लगता है उसमें इतनी हिम्मत नहीं है, जरूर इसके पीछे कोई और भी है। तुम कमिश्नर ली पे शक कर रही हो? उसने महाराज के सामने अपनी गलती को खुद ही माना है, तुमने देखा था ना, और वो अपनी गलतियों को सुधारने को भी तैयार है, और क्या करेगा वो? माफ कर दो ना अब। आपका दिल बहुत ही बड़ा है, सबको माफ कर देते हैं। औरतों को कुछ नहीं पता है। अरे माफी सबसे बड़ी चीज होती है, हम लोगों को अपना कद समझना होगा। हम अब कहीं और नहीं राजमहल में काम करते हैं, थोड़ी सी दयालुता दिखा दी तो क्या हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छा ही हो।
पिताजी। हाँ उस नौजवान ने कहा है ये हिमालय की जड़ी बूटी से लाख गुना बेहतर है, बिना खाते में लिखे हुए दिया। शाही दवा खाना तो हर दवाई का हिसाब रखता है, फिर उन्होंने ऐसा कैसे किया? उसने कहा है कि सारा पैसा वो खुद देगा, वो हमें हर जाने के रूप में इसे दिया है, अगर हमने इसे नहीं लिया तो समझेगा हमने उसे माफ नहीं किया। इस औषधि से आज ज्यादा खुशबू आ रही है। कहाँ है वो? महारानी को देखने गए हैं। क्या तुम शाही औषधालय का इस्तेमाल करते हो? हाँ। और वो औषधि कैसी है? पिताजी ने कहा था वो अच्छी है। लेकिन पूछ क्यों रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछा। होंगजियांग, तुम कितनी पढ़ाई करते हो? यूनिवर्सिटी ने मुझे एक किताब दिया और कहा मुझे इसे सब पढ़ना है ताकि मैं वैद्य बन जाऊँ। तुम्हारा खानदानी तजुर्बा उन किताबों से ज्यादा बेहतर है, तुम परीक्षा पास हो जाओगे। मेरे पिताजी ने कहा था मुझे केवल हड्डियों के बारे में ही नहीं और भी जानकारी होनी चाहिए। ऐसे तो फिर तुम्हारी कई पीढ़ियां महल में शाही वैद्य बनके रहेंगी। होजियांग, तुम चाहते हो हर पीढ़ी शाही वैद्य बने? हाँ जरूर चाहूंगा, पर पिताजी का पता नहीं। चाचा के ना चाहने से क्या होता है? मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है। क्या सोचा है? अगर तुम इसी महल में किसी लड़की से शादी कर लो तो तुम यहीं के होकर रह जाओगे। नहीं, मेरे पिताजी ने बचपन में ही मेरी सगाई किसी से करा दी थी, वो गांव में रहती है। शर्म की बात है ना, मतलब अगर मैं इसी महल की किसी लड़की से शादी कर लूं तो मेरे पिताजी नाराज हो जाएंगे। ये आसान है, मैं महाराज से कहकर तुम्हारी शादी करवा दूंगी। मेरी शादी करवाओगी? किसके साथ? क्या तुम्हें इस महल में कोई लड़की पसंद है? मैं तो तुम आई हो? चाचा जी, चाची जी। आप आई, अच्छा लगा। मैं यहाँ घूमने आई थी तो सोचा आप लोगों से मिल लूं। वेद वैंग, हा? आपको महारानी को जाकर देखना चाहिए, उनकी आंखें लाल हो गई है और सूजन आ गई है, महाराज ने आपको जल्द से जल्द बुलाया है। हाँ मैं बस अभी आ रहा हूँ। चलो, चलो। आपको जाने की जरूरत नहीं चाची, मैं इनके साथ चली जाती हूँ। हाँ ठीक है ठीक है, जल्दी जाओ। यहाँ आने से पहले इसकी खुशबू ऐसी नहीं थी, बस यहाँ आने के बाद ऐसे हुआ है। पिछले आधे घंटे से मेरे पूरे बदन में खुजली हो रही है। मुझे भी औषधि की खुशबू आ रही है, क्या खुशबू पहले थी? बिल्कुल नहीं पिताजी, वैंगजाओ को पता था मुझे इस खुजली से परेशानी होती है, फिर भी उसने मुझे ये औषधि दी। चिंता मत करो, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं उन्हें बख्शूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं। वैद्य वैंग आ रहे हैं। महाराज मेरा प्रणाम स्वीकार करें। ठीक है, पहले ये पता लगाओ यहाँ चल क्या रहा है। महाराज, महारानी के लक्षण तो अर्टिकेरिया के हैं। तुम्हारी औषधि के कारण ऐसा हुआ क्या? मेरी दवाओं से ऐसा नहीं हो सकता है महाराज, कभी भी नहीं। झूठ है, तुम्हारे आने के बाद खुशबू आई, तुम ही लेके आए इसे। महारानी, अगर मेरी दवाओं की वजह से ऐसा हुआ है तो इसकी खुशबू चली जानी चाहिए थी, लेकिन अभी भी इसकी खुशबू बहुत तेज आ रही है, इसका मतलब ये दवा अभी भी यहीं पर है। क्या कहा? तुम्हारा मतलब मैंने खुद उसे यहाँ रखा है? गुस्सा न करें महारानी, लेकिन हाँ मैं चाहूंगा कि
महारानी यहाँ से बाहर चली जाए अगर उन्हें ठीक लगे तो, फिर भी खुशबू आए तो इसका मतलब दवा यही राजमहल में है। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? पिताजी अब मुझे काफी बेहतर महसूस हो रहा है। महाराज यह हमें महारानी के बिस्तर के नीचे मिला। महाराज स्वीट वॉर्मवुड है, महारानी यही खुशबू थी ना उसमें, इससे अर्टिकेरिया होता है। हाँ ठीक है, इसे दूर रखो, ले जाओ इसे। महारानी के बिस्तर के नीचे कैसे आया? मुझे डर है किसी ने ये जानबूझ के रखा था। जरा याद करो, वैद्यवैंग के पहले तुम्हारे कमरे में कौन आया था? सिर्फ चैंग्यू मेरे बिस्तर की सफाई करने आई थी, उसके अलावा और कोई नहीं आया था। महाराज चैंग्यू की अभी अभी शाही बाग में हत्या की गई है। अभी अभी मैं शाही बाग के पास से गुजर रही थी तो मैंने देखा कि चैंग्यू भागी जा रही है। मुझे नहीं पता था क्यों, इसलिए मैं उसके पीछे गई। मैं शाही बाग में उसका पीछा करती रही। तभी मुझे एक चीख सुनाई दी। जब तक मैं वहां गई चैंग्यू को मार दिया गया था। मार दिया गया? पिताजी इन सबके पीछे जरूर किसी का हाथ है, वरना कोई उसे क्यों मारेगा? वैद्यवैंग से भी उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी, वो ऐसा क्यों करेगी? शायद कुछ दिन पहले उसने मेरा ब्रेसलेट तोड़ा था और मैंने उसे बहुत मारा। शायद वो इसका बदला ले रही थी। महाराज इसकी कोई ना कोई वजह होगी, इसका पता लगाया जाए। वैद्यवैंग मैंने आपको गलत समझ लिया था, कृपया करके राजकुमारी का इलाज जारी रखें। जी महाराज। वैद्यवैंग मैंने आपको गलत समझा, कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है तो मैं किसी आरोप से नहीं डर रहा हूँ। अब हर मौके पर वैद्यवैंग का कद शाही महल में बढ़ता जा रहा है, समझ रहे हो तुम? अगर महल में किसी को भी हड्डियों की तकलीफ हो तो वैंग के बिना काम ही नहीं चलता। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन तुम्हारी नौकरी चली जाए। मैंने अपने शिष्य को बहुत दिन पहले ही बोला था कि उनकी गुप्त जड़ी बूटियों की जानकारी लेके आओ। उतने से कुछ नहीं होगा, अगर हमें उसे रोकना है तो उसका गुप्त इलाज हमें सीखना होगा। वो किसी भी हालत में किसी बाहर वाले को वो विद्या नहीं सीखने देगा। वो कभी इसकी अनुमति नहीं देगा। यहां मैं अभी निकलता हूं, ध्यान रखिएगा। गुरुजी क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए? क्या तुम्हें कोई जानकारी मिली? वो शाही औषधालय में से 20 तरह की औषधियां लेके गए और उन्होंने राजधानी में से कुल मिलाकर 44 औषधियां मंगवाई हैं। लेकिन उनके पास तो 48 तरह की जड़ी बूटियां हैं। लेकिन बाकी के 4 उन्होंने वहां से नहीं मंगवाई हैं। अरे आप वैद्य वॉन्ग, हे भगवान, कमिश्नर ली आप यहाँ कैसे आए? कुछ खास कारण है क्या? कुछ तो कारण जरूर है, मेरे शिष्य को आपसे कुछ मदद चाहिए थी। प्रणाम गुरुजी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। अरे शिष्य उठो, तुम ये तुम क्या कर रहे हो? उठ जाओ उठ जाओ। वैद्य वॉन्ग मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे हड्डियों की बीमारी के लिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मुझे डर है कि कहीं आप ज्यादा काम ना करने लग जाएं, इसीलिए मैं आपके लिए एक शिष्य लेकर के आया हूँ। आपका शुक्रिया, आप चिंता ना करें हम संभाल लेंगे। ये महाशय सुंस का कहना था, हो सकता है महाराज भी ऐसा ही चाहते हो। तो फिर ऐसा ही होगा कमिश्नर ली। शुक्रिया गुरुजी, मैं कल से आ जाऊंगा। हाँ तुम्हें हाँ किसने कहा? शिष्य ऊपर उठ जाओ। कमिश्नर ली हमारी पैतृक परंपरा के अनुसार हम किसी को अपना शिष्य नहीं बना सकते हैं। इस बच्चे को मैं अपने यहाँ पे मदद करने दूंगा, बस इसको अपनी कुछ दवाइयाँ खरीदने की अनुमति दे दीजिए, और इसे एक्यूपंचर भी अच्छे से आता है, ये आपकी काफी मदद कर सकता है। शिष्य आज के बाद तुम इनसे सब कुछ सीखोगे। आप चिंता मत कीजिए कमिश्नर ली, मैं अपने नए गुरुजी से सब कुछ सीख लूंगा। ठीक है ठीक है, बहुत मुझे नहीं पता कमिश्नर ली के दिमाग में क्या चल रहा है, उसने उस लड़के को हमारे पीछे लगा दिया। तुमने सुना नहीं था क्या
हो सकता है कि ये महाराज का आदेश हो। किसको पता ये महाराज का विचार था या किसी और का। तो तुम महाराज के विरुद्ध जाना चाहती हो। पर मुझे नहीं लगता कि उसका इरादा नेक है। वो जरूर गुप्त रामबाण के बारे में जानना चाहता है। हमें अपनी औषधि का ध्यान रखना चाहिए। मैं शाही औषधालय से गुप्त औषधियाँ नहीं लेता। हाँ? मैं वहां से तो बस साधारण औषधियाँ लेता हूँ। ठीक है फिर। पर फिर भी तुम उस लड़के को कुछ मत सिखाना। उस बच्चे को एक्यूपंचर आता है। हमारी महारत गुप्त औषधियों में है और उन्हें कितना देना है इसमें। मुझे तो हर पल डर लगा रहता है। चिंता मत करो, सो जाओ ठीक है। और अब ज्यादा दिमाग मत लगाना सपने में। हाँ ठीक है। प्रणाम गुरुजी। दीजिए मैं पकड़ता हूँ। जल्दी आ गए तुम। हाँ मैं तुम्हें अपना साथी नहीं मानूंगा। भले तुम मुझे अपना साथी मत मानो लेकिन मैं तुम्हें बड़ा साथी मानूंगा। हम लोगों की उम्र और लंबाई लगभग एक ही है। लोग सोचेंगे हम लोग भाई भाई हैं। ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम मेरे भाई नहीं। बेटा गुरुजी गुस्सा मत कीजिए। कुछ समय दीजिए सब ठीक हो जाएगा। गुरुजी मैंने सुना है कि सोने की सुई भी बनती है। तुम लोहे की सुई बना सकते हो। लोहे की सुई बना सकते हो। गुरुजी ये ऐसे पुरियों में कितनी औषधियां रहती है। इसके अंदर 44 तरह की जड़ी बूटियां हैं। लेकिन मैंने यूनुज शी से सुना है कि कुल 48 तरह की औषधियां आप रखते हैं। वो चार बस सहायक हैं, मुख्य नहीं है। यही 44 मुख्य औषधियां हैं। अच्छा तो ये बात है। शिष्य अब तुम मेरे यहाँ काम करते हो तो जो मुझे तुम्हें सिखाना चाहिए वो जरूर सिखाऊंगा। ठीक है। आटा पाउडर, बाजरा पाउडर, नाचनी का पाउडर और मक्के का पाउडर, ये सब है इसमें। अच्छा गुरुजी ये सब किस काम में आता है। सुनो ये मैं तुम्हें बताती हूँ। जार को हटाने के बाद ही इसका प्रयोग किया जाता है खून का थक्का लगाने में। ठीक। आपकी बात मैं समझ गया। मुझे लगा था कि तुम समझदार हो। वो तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो ये राज छुपा सकते हैं। गुरुजी मुझे माफ कर दीजिए लेकिन हमें अभी भी नहीं पता है कि वो चार औषधियाँ की रह क्या। वो चार औषधियाँ उनकी गुप्त औषधियाँ हैं लेकिन वो चारों किसी बीमारी में खास काम नहीं करती हैं। जाओ और औषधि पुस्तक को ढंग से पढ़ो और उसमें देखो कि रक्त प्रवाह के लिए कौन सी अलग औषधियाँ काम आती हैं। जी गुरुजी लेकिन 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। मुझे कब तक ये काम करना पड़ेगा गुरुजी। तुमसे हो पाएगा कि नहीं ये। गुरुजी मैं जो भी सीख रहा हूँ मैंने सब लिख कर रखा है और वैंग जू ने मुझे 2 रोगियों को देखने के लिए भी कहा था। वो किस बीमारी में कौन सी औषधि का प्रयोग कर रहे हैं उस पर मेरी बारीकी से नजर है गुरुजी। मैं सब कुछ सीख गया। रुको। राजा के भाई के यहाँ भी कोई है जिसे हड्डियों की तकलीफ है। तुम वहाँ वैंग के शिष्य बन के जाओ और बोलो कि इलाज करने आए हो और फिर महाराज को ये बताओ कि वो तुम्हें जबरदस्ती राजमहल के बाहर इलाज करने के लिए भेज रहा है और इससे हम वैद्य वैंग को राजमहल से बाहर करेंगे। होंग जियांग गेहुआ के लिए केक ले जाना मत भूल जाना। इलाज से पहले ही लेकर जाना। अगर वो तुम्हें खाने के लिए रोके तो उन्हें मना मत करना। अरे चेंगुआ पोर्सिलेन की सुई कहाँ है। तुम में से किसी ने ली है क्या। मैंने तो नहीं ली। मैंने भी नहीं ली। ये तो बड़ी अजीब बात है। ये जो वैंग परिवार है जमीन से जुड़े हुए लोग हैं बेटा। दरअसल उन्हें यहाँ के सभी नियम कायदे पता नहीं है। इस जगह पर हमेशा राजनीति और षड्यंत्र होता आ रहा है। उनके लिए इस जगह को अपना पाना बहुत मुश्किल है बेटा, बहुत ज्यादा मुश्किल। गेहुआ महाराज ने तुम्हें आदेश दिया है कि तुम्हें औषधालय पर कड़ी निगरानी रखनी होगी। हाँ पिताजी मैं शाही औषधालय पर ध्यान रखे हुए हूँ। मुझे तो डर है कि कमिश्नर लीन और उनका सहायक वैंग परिवार के खिलाफ कुछ कर रहे हैं। हाँ।
कौन चाहिए? मैं यहाँ पर महारानी के भाई का इलाज करने आया हूँ। मेरा नाम वैंग होंगजियांग है, दरबार के शाही वैद्य वैंग झो का बेटा हूँ मैं। हाँ तो अंदर आइए। गुरुजी, गुरुजी, आपने महारानी के भाई का इलाज करने को कहा था, वो अचानक मर गया। गुरुजी, तुमने क्या किया? मेरी कोई गलती नहीं है। किसी काम के नहीं हो। गुरुजी, अगर शाही परिवार ने मुझ पर इल्जाम लगाया, मुझे सूली पर चढ़ा देंगे। गुरुजी, जल्दी, जल्दी। मेरे आदेश के बिना कहीं बाहर नहीं जाओगे। जी गुरुजी। महाराज, महारानी का भाई आपसे मिलना चाहता है। उन्हें लेकर आओ। महारानी के भाई पधार रहे हैं। महाराज, शाही वैद्य वैंग झोंग का बेटा महल के बाहर रोगियों के इलाज के लिए गए थे, जिसके वजह से मेरे बड़े भाई की मौत हो गई। महाराज, हमें न्याय दीजिए। क्या? उठ जाओ। शुक्रिया महाराज। वैंग जाओ, अपने बेटे को रोगी का इलाज करने के लिए बिना अनुमति बाहर भेज दिया और इस वजह से एक जान भी गई। नियमानुसार शाही वैद्यों को महल के बाहर जाने की इजाजत नहीं। उन्होंने कानून कैसे तोड़ा? महाराज, खुद उसके बेटे से पूछ लीजिए, मैं झूठ क्यों बोलूंगा भला। उसने जो सुई का प्रयोग किया उसे आपने ही दिया था महाराज, इसीलिए उन्हें खुद को अदालत में बड़ी कठिनाई होगी। वैंग झाओ को न्याय मंत्रालय लेकर आओ। जी। वैद्य वैंग, आपके बेटे पर आरोप है कि इन्होंने एक हत्या की है। आपको और आपके बेटे को न्याय मंत्रालय जाना होगा। अरे क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? रुक जाओ, चलो हमारे साथ। चलो, अरे तुम लोग ऐसे कैसे जा रहे हो? रुक जाओ। जान नहीं ली है। जो भी कहना है न्यायाधीश के सामने कहो। चाची, आप जरा रुकिए, सभा भवन में जाकर मेरे पिताजी को ढूंढिए और उनसे कहिए महाराज से बात करें। तब तक मैं कुछ करती हूँ। जाइए, जाइए। तुम और तुम्हारा बेटा तुम्हारा अपराध कबूल कर रहे हो? महाराज, हमने कुछ गलत नहीं किया है। कुछ भी नहीं, हमारे साथ गलत हो रहा है। चुप बैठो, तुम्हारी आखिर हिम्मत कैसे हुई? आपको नहीं पता आप हमें पकड़ के कैसी गलती कर रहे हैं। ऐसे पकड़ना महाराज के कानूनों के पूर्ण खिलाफ है। कानूनों के खिलाफ है? तुम लोग मेरे सामने नाटक कर रहे हो? सुनो, कोई से पढ़कर बताओ। शाही वैद वांग जोंग ने अदालत के नियमों का अपमान किया है, अपने बेटे को महल के बाहर किसी का इलाज करने भेजकर। उस वजह से महारानी के भाई जोंग लियांग की मौत भी हो गई। परिवार ने राजमहल छोड़ के कभी किसी का इलाज नहीं किया। हमने किसी तरह का कोई अपराध नहीं किया है। अभी भी इनकार कर रहे हो, है ना? गवाह को पेश करो। रुको, कहाँ जा रही हो? मसीहा सुखी से मिलने आई हूँ। मसीहा सुखी काम के लिए बाहर गए। प्रणाम महामहिम। जरा ध्यान से देखकर कहो, क्या इसने ही तुम्हारे पिताजी की जान ली है? जी हाँ, यही था। इसके बाल अभी भी ऐसे ही हैं। झूठे, मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। महाराज, उस दिन मेरा बेटा मिसेस सू के पैर का इलाज कर रहा था। क्या यही वो सोने की सुई है ना, जो संजय ने तुम्हारे पूर्वज को दी थी? जी हाँ, ये बिल्कुल वही है। तो ये सुई हमें मौका वारदात पर क्यों मिली थी, इस बारे में तुम्हें क्या कहना है? कि वहाँ मिलने से मेरा बेटा अपराधी नहीं होता है। कुछ दिन पहले इस सुई को हमारे यहाँ से चुराया गया था। हमें नहीं पता ये किसने और क्यों चुराई है। अगर मैं फिर से पूछूं तो तुम यही कहोगे ना कि किसी ने तुम्हारी औषधि भी चुरा ली? इनकार करना बंद करो, हमें हर तरह के सबूत मिले हैं। सुनो, कोई ने मौत के दरवाजे तक लेकर जाओ, मैं महाराज को सूचित कर दूंगा। ले जाओ इन्हें। नहीं, रुक जाइए, रुक जाइए, हमने कुछ गलत नहीं किया है। हमारी कोई गलती नहीं है, रुक जाइए। ये मेरी गलती है, मैं कमिश्नर के तौर पे अपना काम नहीं पूरा कर पाया। मैं वैद्य वांग को यहाँ के आदेश नहीं समझा पाया, जिसकी वजह से वो बाहर पैसे कमाने गए और इसकी वजह से एक निर्दोष की जान चली गई। इसके लिए महाराज जो सजा देंगे मुझे वो सजा मंजूर है। आप लोग उठ जाइए। शुक्रिया महाराज। अधिकारी जी, अदालत में क्या हुआ? महाराज वैंग झो ने स्वीकार कर लिया कि वो वही सुई है जो महाराज ने उन्हें तभी दी थी, और मृतक के परिवार ने अपराधी की पहचान भी कर ली, जो उनका बेटा ही है। हमें सबूत और गवाह दोनों मिल गए हैं, अब आपका फैसला बाकी है। मुझे तो इस बात का आश्चर्य हो रहा है महाराज कि वैद्य वैंग जैसा ईमानदार और सज्जन व्यक्ति इस तरह का अपराध कर सकता है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ यही सच्चाई है।
अधिकारी जिया, क्या हमें उन्हें मारना चाहिए? मैं तो कहता हूँ उन्होंने कई अपराध किए हुए हैं। बेटे ने तो सीधे हत्या ही कर दी है। बाप ने बेटे से अपराध कराने के लिए जिम्मेदार है। अदालत का कानून तोड़कर वो महल के बाहर बिना अनुमति के इलाज करने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल सही, ये तो कानून के खिलाफ है। बिल्कुल सही, उसका सर कलम कर देना चाहिए। महाराज, ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि उन्होंने महल में कई लोगों को ठीक किया। क्या हम उन्हें माफ नहीं कर सकते? महाराज, मुझे संदेह है कि जिसकी मौत हुई है वो तो काफी बूढ़ा था और हत्या कराने वाला बेहद नाजुक है। इसके अलावा महाराज ने खुद उन्हें शैंगडोंग से भर्ती किया था, ये मुझे लगता है। बाकी आपका फैसला। ऐसा बिल्कुल नहीं है यूनिट जी, इसका मतलब ये तो नहीं है जो महाराज को पसंद आए वो अपराधी नहीं। ठीक है, बिना अनुमति लिए महल के बाहर इलाज करने गए और गलत उपचार के कारण किसी की जान भी ले ली। मार दो, हम उसको उसी परिवार के सामने मारेंगे जिसके परिवार में उसने जान ली थी। तो ये तय रहा। रुको, कहां ले जा रहे हो मुझे? मेरा घर तो उस तरफ है। शांत रहो और हमारे साथ चलो। पिताजी, मेरी गलती है। अगर मुझे पता होता तो महल आने की जिद नहीं करता। हम इसके लायक नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। यही हमारी किस्मत है, हम किस्मत से नहीं लड़ सकते। बेटा, मैंने तुम्हें कुप जड़ी बूटी के बारे में बताया था ना बेटा, उसमें की आखिरी जड़ी बूटी हड्डियों के इलाज में काम आती है। कितनी देनी है ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये हमेशा दिमाग में रखना, ठीक है? कल के दिन मैं उनसे जाके बात करूंगा और कहूंगा कि सिर्फ मुझे मारे। नहीं पिताजी, मुझे खत्म तो करने दो ताकि तुम इसको आगे ले जा सको। जब तुम बाहर जाओगे तो पहाड़ों पे जाकर के इन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करना बेटा, और अपने परिवार का इतिहास जरूर अच्छे से लिखना, और अपने बच्चों को ये बताना कि वो कभी भी इस राजमहल में ना आए। पिताजी, मैं चाहता हूं कि आप जीवित रहे। पिताजी, शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। ली जिंगजैंग बहुत क्रूर है, मैं सारी सच्चाई बताकर रहूंगा महाराज को। इस एहसान के बदले कौन है वहां? चलो जाओ, ऐसा मत करो, जल्दी चलो। राज का आदेश है, ऐसा मत करो, मेरी बात तो सुनो। हमारी मौत है, चलो मुझे बात करो सीधे, छोड़ दो मुझे, जल्दी चलो।
राजे। चलो रुक जाओ, रुक जाओ, मैं महाराज से राम की भीख मांगूंगा। इसने आखिर क्या चुकी है? उसे लटकाया जा रहा है। इसको सजा किस पर से सजा मिले इसे? क्या है? हमें कुछ कुछ पता नहीं क्या है। महाराज, ये सब कमिश्नर ली और अधिकारी सुहान का षड्यंत्र था। उन्होंने ही मुझे ऐसा करने को कहा था। वो चाहते थे कि वैंग परिवार को बदनाम करके उन्हें महल से भगा दिया जाए। इस बीच किसी की मौत हो गई। मैं मौत का हकदार हूँ, मुझे माफ कर दो महाराज। ऐसे घटिया आदमी हो। सूर्य सर से ऊपर जा चुका है। गला काट दो। मेरा बेटा। माँ, माँ, छोड़ दो मेरे बेटे को। माँ, छोड़ दो। हमने कुछ भी नहीं किया, हमें फंसाया जा रहा है। हमने किसी का खून नहीं किया, ये सब एक गलत फहमी है। मैं मरते दम तक लड़ूंगी, छोड़ दो। इसे बंदी बना लो। छोड़ दो बेटा, छोड़ दो। पहले इस नामकूल को मार दो। उसे छोड़ दो। मैं महाराज का आदेश लेकर आया हूं। महाराज की तरफ से यह आदेश आया है। महाराज ने अपना फैसला बदलते हुए कहा है कि वैंग होंगजियांग गलत आरोपी है, उसे तुरंत रिहा कर दिया जाए। अधिकारी जिया को नौकरी से बर्खास्त किया जाता है। यह है महाराज का आदेश। सभी लोग आदेश का पालन करें। सैनिकों, अधिकारी जिया को गिरफ्तार करो। ओशांग, तुम ठीक तो हो ना? मेरा बेटा। वैंग झाओ को यहाँ लाया जाए। महाराज, मैं एक साधारण इंसान हूँ। मैंने कभी भी पैसा और ताकत नहीं सोची। मैं लोगों की जिंदगियां बचाता हूँ अपने परिवार की गुप्त विद्या से, ताकि सभी लोग दर्द मुक्त और अच्छा जीवन जी सके। मैं यहाँ पर इतनी दूर राजधानी आया सिर्फ आपके कहने पर। अपने सभी उसूलों को एक तरफ रख के मैंने आपकी सेवा की है महाराज। मैं आपका आभारी हूँ, मैं आभारी हूँ महाराज। आपने हमें क्षमा किया, आप दयालु हैं। मैं एक वैद्य बनना चाहता था, मेरी जीवन से और कोई आकांक्षा नहीं थी। मैं कभी किसी परेशानी में नहीं पड़ना चाहता था, लेकिन शायद मेरी किस्मत खराब थी कि मैं यहाँ पर आया। लेकिन मैंने जो गलती नहीं की उसकी सजा मुझे मिल रही है, उसकी सजा मुझे मिल रही है महाराज। यह न्याय है। आप हमें छोड़ दीजिए, हम यहाँ से चले जाएंगे, हमें जाने दीजिए। वेंग झाओ और उनकी औषधि के अभ्यास के लिए उन्हें छोड़ दिया जाए। कितने बड़े दुष्ट हो तुम, भोले लोगों को परेशान किया। कमिश्नर ली, अगर तुम रिश्तेदार नहीं होते तो तुमने इतने सालों से कुछ भी नहीं किए। फिर भी मैंने कभी तुम्हारा तनख्वाह नहीं रोका। तुम्हारी नौकरी थी अदालत के लिए लोगों की भर्ती करना, लेकिन तुम कितने निर्दयी हो, ईर्ष्यालु हो, धोखेबाज। तुमने हत्या तक करवा दी। तुम तो जानवर से भी बुरे हो। इतने सालों से औषधालय तुम्हारे पास था, मगर तुम औषधि को बाहर भी बेचते थे। तुम जैसे लोगों को अधिकारी के पद पर रहने का कोई हक नहीं। मार दो इसे। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। अधिकारी सुवान, मैं तुम्हें अच्छा इंसान समझता था, लेकिन तुम तो जानवर निकले, शैतान कहीं के। तुम्हें गांव भेज दिया जाएगा, तुम्हारी नौकरी जाएगी,
तुम्हारे परिवार की कुर्की जब्त हो जाएगी और पगड़ी भी निकाल ली जाएगी। मुझे जिंदा रखने के लिए शुक्रिया महाराज, शुक्रिया महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और तुम साम्राज्य के जज हो ना, फिर भी दूसरों का पक्ष लेते हो पैसों के लिए। कितने बड़े शैतान हो तुम, कितने मामलों में घूस खाई, निर्दोषों को फांसी पर चढ़ाया। महाराज मुझे छोड़ दीजिए, ये मेरा पहला मामला था जहाँ मैंने गड़बड़ कर दी। महाराज मुझे माफ कर दो, मैंने कमिश्नर ली के कहने पर ये सब। चुप रहो, कोई कानून से ऊपर नहीं है, राजकुमार भी नहीं। तुम ये जानते नहीं थे? अभी तुम्हें और सजा मिलेगी, तुम्हें निर्वासित कर दिया जाएगा। बयाओ, इसकी टोपी निकालो। शुक्रिया महाराज, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। तुम सबने सुना ना, कानून के सामने सब बराबर हैं। अगर कोई भी गलती करता है तो मैं सजा दूंगा, कठोर सजा मिलेगी, कोई दया नहीं। मेरे सहायक खड़े हो जाइए। शुक्रिया महाराज। मेरे सहायकों खड़े हो जाओ। जाओ, मैं बहुत शर्मिंदा हूं आपके साथ जो हुआ उसके लिए। मैं माफी मांगता हूं पूरे परिवार से। महाराज मैं आपका आभारी हूं महाराज। वेंग जाओ, अपना सम्मान ले लीजिए। मैं आपको तीसरे दर्जे पर औषधालय विभाग का कमिश्नर घोषित करता हूँ। वेंग होंगजियांग चौथे दर्जे पर वैद्य नियुक्त किए जाते हैं। जेंग एवा को गश्ती सेना प्रमुख बनाया जाता है और चांदी दी जाती है। महाराज मुझे ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। कमिश्नर वांग, जब तक मैं जीवित हूँ आप यहीं रहोगे। लेकिन मेरे महाराज। कमिश्नर वांग, इसे आप खुशी खुशी स्वीकार कर लीजिए। हमारे लिए आपको वापस शेंगडोंग भेजना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं एक और खुशी की घोषणा करता हूँ। आज मैं मेरी बेटी गेहुआ और वेंग होंगजियांग की शादी की घोषणा करता हूँ। मैं इनकी जोड़ी बनाऊंगा। इनकी शादी आज से तीसरे दिन होगी। आप शुक्रिया महाराज।